और इनका पानी भी लग गया, ये आखिरी बर्तन पानी का अब मैं लगा रहा हूँ। ये सारा काम हो गया मेरा, ये गंदा पानी यहाँ पे आ गया और ये थोड़ा सा बचा साफ़ पानी, ये हम ऊपर ले जाएंगे मुर्गियों को डाल देंगे और बाकी सबको भी दाना पानी दे दिया। और यहाँ पे पानी जो हमने लव बर्ड्स को डाला था विटामिन्स वाला, ये इसका कलर ऑरेंज होता है, ऐसा लगता है ऑरेंज जूस है, तो ये भी उन्हें डाल देते हैं। तो मुर्गियाँ अभी अंदर ही हैं, तो ये पानी मैंने डाल दिया, उन्हें जब बाहर निकालूंगा तो आराम से पानी पियेंगी। धूप देखे कितनी तेज़ निकली हुई है, तो पानी फटाफट सूख जाता है यहाँ पे। तो गाइस मास्टर गेम में सारे रैबिट्स भाग रहे हैं, रैबिट के बेबीज देखें माशाल्लाह, उस बॉक्स में से सारे निकल आए, एक भी बॉक्स में नहीं है। और मुर्गियों ने आज अंडा भी नहीं दिया, कब अंडे देंगी ये सही तरीके से। तो एक मुर्गी बॉक्स में जा रही, शायद उसने अंडा देना होगा, वो सामने फिर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से। तो गाइस बेला की खुराक भी ख़त्म हो गई है, वो भी लेने जाना है और कुछ सरप्राइज़ है, देखें हमें वो मिलता है आज के नहीं मिलता। तो पहले बेला की खुराक लेने जाते हैं और रैबिट के लिए घास भी लेने जाते हैं। तो चलते हैं मार्केट गाइस, घास तो ले लिया और अब लेते हैं फीड। तो गाइस केटी फीड भी ले लिया और हमने घास भी ले लिया और चलते हैं घर, बेला भूखिया से जाके फीड देते हैं ये वाली। ने भी घास डाल दी है और बेला को मैंने खुराक डाली है, देखें बेला को भी खुराक डाली है, बड़े मज़े से खा रही है। थोड़ी सी और इसे डालते हैं, ये लो बेला खाओ 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 खाओ। बेला को मैंने सुबह दिया था ये ब्रेड और दूध, और दूध इसने पी लिया और ब्रेड ऐसे कैसी पड़ी है, तो हमारी मुर्गियां खाएंगी। तो ये रैबिट के बेबीज को घास डालते हैं, देखें सारे बाहर आए हुए हैं। ये लो गाइस, इन्हें भी घास डाल दी है और एक हमारा रैबिट उस तरफ बैठा हुआ है और बाकी इस तरफ हैं, ये भी घास खा रहे हैं। बेला को भी उसका खाना दे दिया, वो भी मज़े से खाना खा रही है, और रैबिट्स को भी दे दिया है और इन मिनी रैबिट्स को भी खाना दे दिया। तो अब ये घास खाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, और इनके लिए स्पेशल मैं घास लेके आया हूँ। ये तो इधर सारी मुर्गियाँ वगैरह ने, ये देखो बेला के लिए खाना जो दिया था वो सारा इन्होंने खा लिया, दूध छोड़ दिया, यहाँ पे भी इन्हें दिया था और इधर भी, और ये दोनों बर्तन इन्होंने खाली कर दिए हैं और इन्हें दाना वगैरह डाल देते हैं, दाना इनके पास नहीं है तो दाना भी इन्हें डालते हैं। गिडी 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 और अंदर भी खाना डाल देते हैं इनका, ये देखें जो अंदर पिजन वगैरह हैं, कॉकटेल हैं, इन्हें भी दाना डालते हैं। इनकी सारी मैंने सफाई की थी कल केज की, तो अंदर दाना नहीं गिरा हुआ, इन्हें भी दाना डालते हैं। ले लो गाइस, आज मुझे सरप्राइज़ मिलना था तो मुझे सरप्राइज़ नहीं मिला, तो जिस भाई से मुझे सरप्राइज़ मिलना था वो भाई आए नहीं, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में सरप्राइज़ भी मिल जाएगा। आपके लिए भी सरप्राइज़ और मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, कुछ चीज़ें मुझे मिलनी हैं, कुछ बर्ड हैं ये मुझे मिलने हैं गिफ्ट, तो वो कौन से बर्ड हैं ये मुझे नहीं पता, तो देखते हैं जब सरप्राइज़ आएगा एक या दो दिन में, मैं सोच रहा था आज आएगा लेकिन आज सरप्राइज़ नहीं आया। What
तो गाइस इनका दाना पानी तो हो गया था, काफ़ी दिन हो गए हमने लारा का बॉक्स नहीं चेक किया, तो आज बॉक्स चेक करते हैं, देखते हैं इसने एग दिए हुए हैं कि नहीं। बड़ी गुस्से वाली है, ये एग दिए हुए हैं, एग दिए हुए हैं, ये देखें तीन एग पड़े हुए हैं यहाँ पे। लारा, पर लारा बहुत ना गुस्से में है, क्या वजह है, ये तो मारती भी है, लेकिन एग दिए हैं, बड़ी खुशी की बात है, एग दिए हुए इसने। इसका बॉक्स मैं बंद कर देता हूँ, गाइस इसे तंग नहीं करते, इसका बॉक्स बंद कर देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लारा ने भी अंडे दे दिए हैं, काफ़ी टाइम से इसने अंडे नहीं दिए थे, माशाल्लाह अंडे के आ गए हैं, तीन अंडे आए हैं, तो अब इसके बच्चे आएंगे और हम उसे पालेंगे, सेम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये अंडे अपने संभाल लेगी और सेफ तरीके से बच्चे पाल लेगी, तो देखते हैं कब इसके बच्चे निकल रहे। तीन अंडे बच्चे आए हैं, चार देती होती है, ये देखते हैं चौथा अंडा कब आता है। तो गाइस मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ, लारा मुबारक हो, आपने अंडे दे दिए हैं, हैं मुबारक हो। ओहो ये तो गुस्सा कर रही है, ओहो लारा। तो गाइस आज जो मुझे सरप्राइज़ मिलना था वो तो मिला नहीं है, लेकिन हमारी लारा ने हमें सरप्राइज़ दिया है। तो इसके तीन एग आ गए माशाल्लाह से, और एक एग और आएगा, ये चार अंडे देते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। चलें जी इसे इधर छोड़ देते हैं ताकि अपने अंडों के पास बैठे, उसका मेल वैसे बैठा हुआ है बॉक्स में, तो इंशाल्लाह जल्द बच्चे भी आ जाएंगे। तो गाइस ऊपर चलते हैं, बर्ड को बंद करना है, शाम होने वाली है, तो बर्ड को मैं बंद करता हूँ जाके ऊपर, तो ऊपर चलते हैं। तो गाइस सारी मुर्गियाँ अंदर बंद कर दी हैं और ये एक रह गई है, गिडी 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 गिडी। चलें जी ये सारी बंद कर दी, ये देखें सारे रैबिट्स, मिनी चिकन, गिनी फॉल सारे अंदर आ गए हैं, दाना पानी भी इनका है अंदर, तो इन्हें अब आराम से रहने देते हैं, पर्दा मैं ठहर के बंद कर दूँगा। और मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, हवाएँ भी हल्की हल्की चल रही हैं। तो अपनी बेला को बंद कर देते हैं, चलो बेला, चलो 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 अपने घर चलो चलो, चेन खोलते हैं, इसे बंद करते हैं। इस बेला को भी बंद कर दिया इसके पिंजरे में, ये देखें इसके केज में, और बाकी सारे भी बर्ड बंद कर दिए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो गाइस आज लारा ने सरप्राइज़ दे दिया है, उसके अंडे आए हैं और तीन अंडे आए हुए थे, मुझे पता ही चला, तो तीन अंडे भी कम से कम छः दिन तो लगे होंगे, एक हफ्ता लगा होगा अंडे आने में, एक दिन बाद अंडा वो देते हैं, तो चार अंडे टोटल देते हैं, एक अंडा उसका रहता है, वो आज या कल में आ जाएगा, तो चार अंडे उसके हो जाएंगे कंप्लीट। तो इंशाल्लाह बच्चे भी निकलेंगे और बड़ा मज़ा आएगा उसे, उन बच्चों का हम टेम करेंगे, पालेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सरप्राइज़ मिला मुझे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।